शाम को मिलेगा। मैं आज आपको इस अंगरखा फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। ये तो एक जैसे एक बेबी की फ्रॉक है, आप इसी पैटर्न के जरिए किसी भी साइज़ की फ्रॉक बना सकते हैं। और ये फ्रॉक का पैटर्न है, अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू करके शर्ट पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपनी बॉडी की लेंथ उतार ली है और इसका मैंने जो फ्रॉक का घेर है वो भी उतार लिया है। और ये इसी के साइड का बॉर्डर था जो हम इसको यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपने जितनी हम फ्रॉक की चौड़ाई रखते हैं उससे ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है क्योंकि वो आगे बढ़ता है। तो अब आपने सबसे पहले ये निशान लगाना है कि आपको अपनी बॉडी की चौड़ाई कितनी चाहिए। जैसे मुझे 14 इंच तैयार चाहिए तो मैं फिर 16 इंच का कपड़ा रखूँगी उसके लिए। जैसे 16 का हाफ जो होता है वो 8 इंच। ठीक है, तो मैं अपने लिए यहाँ पे एक निशान लगा लूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मुझे कितना एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। अब यहाँ मैं अपना शोल्डर लूँगी। जैसे बच्चे की फ्रॉक है 8 साल के बच्चे की, तो तकरीबन यहाँ से मैं इसका 5.5 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। जो इसका शोल्डर डीप है वो 6.5 इंच। यहाँ से मुझे तैयार चाहिए 14 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए। और ये लेंथ पूरी रहेगी और मुझे इसकी फिटिंग चाहिए 13 इंच में। मैं 6.5 पे निशान लगाऊंगी। से इतना गला लेना, गला हमने लेना है यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हैं। और इसकी जो गले की गहराई वो हमें चाहिए 4.5 से 5 इंच। आप बच्चे के हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये हमारे पास पॉइंट आके यहाँ तक हमारा गला कटेगा। उसके बाद हमें फिर एक्स्ट्रा यहाँ से कपड़ा लेना है। वो हमने कितना लेना है वो आप ले सकते, आप इसके लिए तकरीबन 11 इंच ले सकते हैं। ठीक है, 10 इंच 11 इंच, ये हमारा 11 इंच का निशान है। अब आप गले को शेप दें। चूँकि ये थोड़ा सा वी में होता है, ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको बढ़ा के यहाँ कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेंगे। ये 3.5 इंच है, आप यहाँ से इसको ऐसे लाएंगे। ये देखिए, ये आपकी शेप आ गई। ठीक है, ये फ्रंट की शेप है। और जो फ्रॉक में जो शेप होती है मोस्टली राइट साइड जो होती है वो अप होती है। इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ आप अपना सेंटर मार्क कर लें छोटा सा। दो पार्ट आ गए। अब ये जो है ये हमारा फ्रंट पे आएगा। तो अब इसकी बैक की कटिंग कर लें इसी मेजरमेंट से। अब हम इसकी सिलाई शुरू करने लगे। ये देखें, ये जो फ्रंट का राइट पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर आएगा इसकी हम बैक साइड पे हम ये
जो उसका बॉर्डर का पीस था पट्टी वो लगा रहे हैं जो बाद में इसके फ्रंट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कोई भी कॉन्ट्रास्ट में कपड़ा हो आप वो लगा सकते हैं। अभी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको आप पहले आयरन कर लें ताकि ये बैठ जाए अपनी जगह, और ये जितना भी एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इसको आयरन कर लिया। अब इसके आप किनारे के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई आप इस पर लगा लें। इसका जो दूसरा पार्ट है उस पर आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, आप बस इसके यहाँ पे भी लगा लो। बैक से इसके शोल्डर जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह तैयार होगा। यहाँ पीछे का गला बना लेंगे हम, और बाकी इसके जो नीचे इसका जो घेर है वो इसके साथ जोड़ लेंगे। जैसे चुंटे डालना चाहें चुंटे डाल लें, प्लेट्स डाल के जोड़ना चाहें जोड़ लें। ठीक है, और यहाँ पे जो डोरियाँ बनी हुई मिलती हैं आप वो चाहें तो वो लगा लें, नहीं तो घर में बना के जैसे ग्रीन कलर की किसी भी वो आप डोरी बना के वो भी लगा सकते हैं। के गले के लिए मैं डोरी बनाने लगी हूँ। अगर आप
बनी बनाई लेना चाहे तो जैसे कि ये है, इस तरह की भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर घर में बनाना चाहें तो उसका तरीका ये है, जैसे आप कपड़ा लेके इस पर, इसके बिल्कुल यहाँ पे आप ना एक सिलाई लगाएंगे किनारे पे, ठीक है, थोड़ा सा गैप करके। जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी आप सिलाई लगा लें। सिलाई एक ही साइज की होनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। कपड़ा साइड से काट लें और जो किनारा है इस पर आपने ये सुई में धागा डाल लें, सही है। मैंने चार तारों वाला डाला है ताकि मेरा धागा रास्ते में टूटे ना। यहाँ से किनारे का इसका पक्का करेंगे। अब ये उल्टी सुई अंदर डालेंगे, ऐसे सुई आप बाहर निकालेंगे फिर इसको खींच लेंगे। ऐसे सुई निकाल लेने के बाद आपने अब इस धागे को, ये जो हमारा किनारा है, इससे आराम आराम से खींचना है तो ये सीधी होके बाहर आ जाएगी। देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया, ठीक है। इस तरह की दो बना लें आप, एक यहाँ पे अटैच होगी और एक यहाँ हम सिलाई के अंदर देंगे। और दूसरा ये कि अगर ये आप खुला रखना चाहें तो खुला रख लें, नहीं तो आप यहाँ पे सिलाई लगा के यहाँ तक इसको यहाँ से कट, अंदर से कट कर लें, ठीक है। बाकी मैंने प्लेट्स डाल ली हैं और मैं इसको कम्प्लीट कर लूँगी। तो मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।